हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई से जांच कराने की बढ़ती मांग के दबाव के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम के इस फैसले से पहले सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री से बात कर मामले की सीबीआई जांच के लिए आदेश देने का अनुरोध किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि जनभावना को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक पूरे देश की जनता की जो भावना थी और इस प्रदेश की भी जनता की जो भावना थी, लंबे समय से लोग ये डिमांड कर रहे थे, और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार बार बार जो कॉपरेशन मिलना चाहिए पटना पुलिस को इंक्वायरी में, वो कॉपरेशन नहीं मिला, और विनय तिवारी के साथ जो घटना हुई उससे स्पष्ट होता था कि हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं सकते थे। इसीलिए जो डिमांड था उन लोगों का, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए, हम समझते हैं कि उन्होंने रिकमेंड किया है कि उसका सीबीआई जांच होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जब दो स्टेट के लोग एक मत पर नहीं आ सकते तो निश्चित रूप से फेडरल सिस्टम में भारत सरकार जो है अपने सेंट्रल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उससे जांच कराए और सीबीआई जांच हो इसमें। तो सिर्फ जेडीयू नेता अशोक चौधरी ही नहीं, उनके सहयोगी पार्टी बीजेपी भी महाराष्ट्र सरकार पर तथ्यों से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा रही है। सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु के मामले में बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिसका हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने जो रवैया अख्तियार किया था, 48-50 दिनों का वक्त जाया किया, और साथ ही इस बात के संदेह होने लगे थे कि तथ्यों से छेड़छाड़ और सबूतों को मिटाया जा रहा है, कहीं न कहीं दीसा सालियान की आत्महत्या से जुड़े जो तथ्य मांगे गए उसे भी नहीं दिया गया, किसी भी तरह का कोऑपरेशन नहीं होना था। अब एक ही रिक्वेस्ट है कि सीबीआई के बेस्ट ऑफिसर्स इसकी जाँच करें, इन तमाम मामलों की, इस रहस्य से पर्दा उठे और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, उनके शुभचिंतकों और बिहारवासियों और बिहार के बेटे को न्याय मिले, यही हम सबकी अपेक्षा है। वहीं आरजेडी ने सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश पर कहा है कि देर से ही सही लेकिन दुरुस्त फैसला है, और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इसकी मांग पहले से करते रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा बिहार सरकार ने कर दी है, यह देर से लिया गया सही फैसला है। देर आए दुरुस्त आए हैं, लेकिन ये मांग तो नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी जिस समय से कर रहे थे, सबसे पहले तेजस्वी यादव जी ने इस मांग को किया था कि बिहार सरकार को सीबीआई से जाँच की अनुशंसा करनी चाहिए। उस समय सरकार अगर कर देती तो बिहार पुलिस की मुंबई में जो फजीहत हुई, बिहार पुलिस को अपमानित होना पड़ा, आईपीएस रैंक के अधिकारी को मुंबई में हाउस अरेस्ट करके रखा गया, ये नौबत नहीं आती। सरकार को लगातार तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, सरकार अनुशंसा करे। राजगीर में फिल्म सिटी का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाए, ये भी तेजस्वी यादव जी मांग उठा रहे हैं बराबर। सरकार का ये फैसला सही है, लेकिन इसमें सरकार ने जो विलंब कर दिया है, कहीं न कहीं जो साक्ष्य मिटाने का भय रहता है उसमें, कहीं न कहीं उस पर आशंका होती है। और कांग्रेस पार्टी और युवा बिहार सेना ने भी आरजेडी के सुर में सुर मिलाया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच संबंधी जो बिहार सरकार ने अनुशंसा किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। कल ही विधान परिषद में हम सब ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी, विधानमंडल के दोनों सदनों में आवाज़ उठाई गई थी, और कांग्रेस पार्टी बिहार आरंभ से ये कहती रही है कि सुशांत मामले में जिस तरह से परत दर परत रोज नई बातें आ रही हैं, सीबीआई जाँच से ही सच्चाई का पता चलेगा। मैं इस निर्णय को बिहार के जन भावनाओं के अनुरूप और स्वर्गीय सुशांत के परिजनों, उनके पिताजी के भावनाओं के अनुरूप मानता हूं, और हमें विश्वास है कि सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आएगी और जो दोषी लोग हैं उन्हें पकड़ा जा सकता है। वर्ग एक खास जाति का वोट लेने के लिए सब ऐसा
जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स और उनके जो परिवार, जो पीड़ित परिवार हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मिलना चाहिए। रही बातें सीबीआई की जांच का अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए, और महाराष्ट्र पुलिस जो है, महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार, ये दोनों जो ये इस तरह से ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही है कि उनके दस्तावेज छुपाने की जो कोशिश की जा रही है, और उनके डीजीपी और सरकार में बैठे हुए लोग, शिवसेना हो चाहे कांग्रेस हो, सबसे बड़ा चीज मुझे आश्चर्य लग रहा है कि बिहार में कांग्रेस सुशांत सिंह राजपूत पे एक तरफा साथ दे रही है, और वहाँ के महाराष्ट्र में जो शिवसेना कांग्रेस की गठबंधन है वो दूसरी, उनके दूसरे चेहरा है। इस तरह की बातें जो सामने आई है, बड़ा दुखद है। दूसरी ओर बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए सीबीआई को पूरा सहयोग करने के साथ साथ इस केस को अंजाम तक पहुंचाने का दावा किया। उनकी राय हो गई कि सीबीआई को दे दिया जाए तो सीबीआई को जा रहा है, सीबीआई अनुसंधान करके हम लोग पूरी जितनी सूचना संकलित किए हैं, जिनकी जितनी जानकारी हम लोगों ने जुटाई है, जितने साक्ष्य हम लोगों ने जुटाए हैं, हम सीबीआई को सहयोग करेंगे, उसको देंगे, और अनुसंधान को अंतिम मुकाम तक पहुँचाने में सीबीआई की मदद करें। हम आपको बता दें कि बिहार से आने वाले बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की सब 14 जून को उनके अपार्टमेंट में मिला था। मुंबई पुलिस ने कहा था कि उनकी मौत आत्महत्या करने से हुई है। मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन पिछले हफ्ते सुशांत के परिवार की ओर से उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत से पैसा निकलवाने और मानसिक प्रताड़ना देकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने जैसे आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है, जिसके बाद बिहार पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है, और जांच को लेकर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस आमने सामने हैं, और इस पर जमकर बयानबाजी भी हो रही है। हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।